अगर आप 55 इंच के अंदर एक सबसे सस्ता क्यूलेट लेना चाहते हैं, देन दिस इज द वन। यू गेस्ट इट राइट, मोटोरोला एनविजन एक्स क्यूलेट सस्ता तो बहुत है, लेकिन क्या उतना ही अच्छा भी है? मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस टीवी का ट्रू व्यू दिखाने वाला हूं, जो आपको पूरी दुनिया में कोई नहीं दिखा सकता। ये मेरी गारंटी और आपको पता है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इस टीवी को मैंने खुद खरीदा है, मोटोरोला या किसी और ब्रांड ने मुझे नहीं भेजा और ना ही किसी ने भी मुझे पैसे दिए हैं इस वीडियो को बनाने के लिए। तो क्यों खरीदा मैंने ये टीवी? मुझे शौक है क्या? हाँ, एक्चुअली में है, मुझे शौक भी है और ये मेरा प्रोफेशन भी। मैं आपको इस टीवी को खरीद के बहुत दिनों टेस्टिंग करने के बाद ये ट्रू व्यू दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि आपको इस टीवी को खरीदना चाहिए कि नहीं। ये तो आप बाद में डिसाइड करेंगे, पहले लुक्स के बारे में बताओ। जरा सुनिए, ऑलमोस्ट ना के बराबर बेजल्स के साथ आने वाले इस मोटोरोला क्यूलेट टीवी के अंदर, एनविजन एक्स क्यूलेट टीवी के अंदर आपको बहुत ही शानदार लुक्स देखने को मिलेंगी। प्लास्टिक से बना हुआ लेकिन मेटल जैसा दिखने वाला टेबल टॉप स्टैंड भी मिलेगा और बॉक्स में ही आपको रिमोट कंट्रोल के साथ वॉल माउंट भी देखने को मिलेगा, जिसकी क्वालिटी बस ऐसे ही है। टीवी के बैक साइड पे आपको तीन HDMI पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक ARC पोर्ट है, लेकिन मोटोरोला शायद लिखना भूल गया ARC कौन सा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये पोर्ट नंबर 1 ARC पोर्ट है। इसके अलावा आपको दो USB पोर्ट मिलते हैं, ऑप्टिकल पोर्ट मिलता है और बाकी सभी जरूरी कनेक्टिविटी ऑप्शन मिलती है Bluetooth 5.0 और डुअल बैंड Wi-Fi के साथ। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इस टीवी के अंदर आपको HDMI ARC पोर्ट नहीं मिलता। That's a miss, I guess. TV Android 11 OS के साथ आता है out of the box, and obviously आपको इसमें built-in Chromecast तो मिलेगा ही और Google Assistant की support भी मिलेगी, जो आपको remote control के अंदर देखने को मिलती है। और remote में आपको चार hotkeys मिलेंगी, Netflix, Prime Video, YouTube और चौथी बेनामी। मतलब बेनामी से कुछ गलत मत समझिए, आप इसे customize कर सकते हैं। That's a very very good feature. आप जो भी app डालना चाहो, मतलब आप Disney Hotstar डालना चाहो, आप कोई और डालना चाहो, Jio Cinema डालना चाहो, That's a very good thing. यार हमें जो app चाहिए उसकी की बनाएंगे ना। अब सारी इधर उधर की बातें खत्म, मैं आपको सीधा पैनल के बारे में बताता हूँ। और इस मोटोरोला के टीवी के अंदर आपको 8-bit FRC IPS DLED पैनल मिलता है। यार इतना सस्ता IPS QLED DLED पैनल, फैंटास्टिक यार। और इसकी ब्राइटनेस जब हमने चेक करी और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जो लिखी है, मतलब ऐप पे भी लिखी है, वो बिल्कुल मैच कर गई। अप्रॉक्सीमेटली 350-60 निट्स के आसपास आपको ब्राइटनेस देखने को मिलती है, विच इज टू गुड। एक्चुअली में गुड है क्या? एक्चुअली में नहीं है, आपको बताऊंगा रीजन उसका क्या है। लेकिन अगर आप पिक्चर क्वालिटी को जरा ध्यान से देखेंगे तो वो आपको कैसी दिखती है? देखिए, थोड़ी ओवर सैचुरेटेड, बहुत ज्यादा ओवर सैचुरेटेड, अब वो आपको डिसाइड करना है, इन दोनों में से आपको क्या लगती है। मेरे हिसाब से जो कलर्स आपने देखे ये बहुत ज्यादा ओवर सैचुरेटेड हैं और इस टीवी के अंदर कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा डाला गया है। क्यों? क्योंकि ये IPS पैनल है, इसमें ब्लैक्स दिखाने की बहुत ज्यादा अच्छी कोशिश करने के लिए आपको कॉन्ट्रास्ट इतना ज्यादा दे दिया गया है कि आपको लगे भाई ये VA पैनल भी है, ये IPS पैनल भी है, तो क्या ये ADS पैनल है? नहीं, एक्चुअली में ADS पैनल नहीं है, बस इसकी कलर ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी सी खराब है। मोटोरोला के एनविजन एक्स क्यूलेट के अंदर आपको डॉल्बी विजन, HDR10 और HLG तीनों की सपोर्ट देखने को मिलती है। तो सबसे पहले क्या HDR10 से शुरू करें? आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, मैं भी हो गया, क्योंकि HDR10 के कंटेंट को जब आप देखते हैं इस टीवी के अंदर तो आपको बिल्कुल खास मजा नहीं आता। ब्राइट एरियाज में भी डिटेल्स की बहुत ज्यादा कमी है, आपको बैंडिंग दिख सकती है और कहीं कहीं कलर पैचेस दिख सकते हैं। इसे कैमरा पे दिखा पाना बहुत ज्यादा इजी नहीं है, बट आई विल ट्राई। ये फर्क आपको बहुत ज्यादा नजदीक से नहीं, बहुत दूर से भी देखने को मिलेगा, जब आपको कलर्स बहुत यूनिफॉर्म नहीं दिखेंगे। एंड इसका कारण ये है कि कलर ऑप्टिमाइजेशन इस टीवी के अंदर बहुत ज्यादा पुअर है अकॉर्डिंग टू मी, एंड इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट ठूस ठूस के भर दिया गया है, इसलिए ताकि आपको ज्यादा अच्छे ब्लैक्स और ज्यादा रिच कलर दिखाए जा सके। बट एवरीथिंग रिच इज नॉट गुड, आपको लाल, बहुत ज्यादा लाल करके अगर दिखाया जाएगा तो वो उतना आपको प्लीजिंग नहीं लगेगा। एंड द सेम गोज विद ग्रीन एंड ब्लू, एंड दैट इज व्हाट आई थिंक अबाउट दिस टीवी, कि इसके अंदर आपको तीनों ओवर सैचुरेटेड कलर्स मिलते हैं, जिससे पिक्चर क्वालिटी का और ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस गोज रियली डाउन। नेटफ्लिक्स में बढ़ते हैं और अब आपको डॉल्बी विजन की परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, क्योंकि ये टीवी उस फॉर्मेट को भी सपोर्ट करता है और कॉन्टेंट में इतना ज्यादा मजा मुझे इसमें भी नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि जब आप डॉल्बी विजन कॉन्टेंट इस टीवी के अंदर देखेंगे तो कहेंगे ओहो नहीं नहीं बंद कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपको इतने ज्यादा कलर्स मिलेंगे, इतने ज्यादा कलर्स, और उनका रिस्पांस इतना ज्यादा होगा और डिटेल्स इतनी कम और शार्पनेस इतनी कम मिलेगी कि आप कहेंगे यार मतलब ये थोड़ी क्या है, ये ब्लर है क्या, है ये बहुत ज्यादा कलर्स हैं या ये क्यूलेट है, ये क्यूलेट का भी
दो चार और फिल्टर लगा दिए गए हैं, एंड दैट इज व्हाट आई डिडंट लाइक इन दिस टीवी। फ्लिपकार्ट के मोटोरोला एनविजन एक्स क्यूलेड के पेज पे आपको ये देखने को मिलेगा कि उन्होंने लिखा है क्वांटम ग्लो टेक्नोलॉजी एंड वाइड कलर गैमेट विद 1.07 बिलियन कलर्स। भाई थोड़े कम ही कलर डाल देते, हम थोड़ा अच्छी पिक्चर क्वालिटी देख लेते, उसमें बुराई है क्या? एक्चुअली में ये सारा खेल उसी चीज का है। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कलर ऑप्टिमाइजेशन किसी भी छोटे ब्रांड की बस की बात नहीं है। यू नो ऑल बिग ब्रांड्स कैन डू बेटर कलर ऑप्टिमाइजेशन देन एनी स्मॉलर ब्रांड, एंड बाय स्मॉलर ब्रांड आई डिड नॉट मीन टू से दैट मोटोरोला एक छोटा ब्रांड है, बट मोटोरोला खुद टीवी नहीं बनाता है, इसे फ्लिपकार्ट बनाता है और मोटोरोला की ब्रांडिंग के लाइसेंस के साथ आपको बेचता है, एंड दैट इज नोन टू एवरीबडी, और इसमें कोई बुराई नहीं है। बट इफ वी आर गेटिंग अ गुड प्रोडक्ट, जैसे मोटोरोला के पहले के जमाने में यानी एक दो साल पहले ZX Pro टीवी आता था, वो बहुत ज्यादा अच्छा था, बट नॉट दिस टाइम मोटोरोला, क्योंकि ये टीवी के मैन्युफैक्चरर्स वही हैं जो सैमसंग के टीवीज बना रहे हैं, एंड वो टीवीज मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, बट दैट्स अनदर स्टोरी। चलो अगर आपने ये टीवी ले भी लिया और आपने सेट टॉप बॉक्स से कुछ कंटेंट देखना है तो SD और HD चैनल्स भी तो देखोगे, हमने भी देखे। SD चैनल्स का रिस्पॉन्स मुझे बहुत ही एवरेज लगा और उसके अंदर आपको क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, मतलब आप 8 फीट 10 फीट जितनी मर्जी दूर बैठ जाए, थोड़ा नजदीक आ जाए 5 फीट पे भी बैठ जाए, आपको क्लैरिटी बिल्कुल नहीं मिलेगी, थोड़ा सा ब्लर दिखेगा, वो मेरे हिसाब से पुअर अपस्केलिंग का नतीजा है। और मैं कुछ ऐसी ही एक्सपेक्टेशंस रख के बैठा था इस टीवी से क्योंकि ये इस प्राइसिंग के साथ आता है, बट HD चैनल्स की अपस्केलिंग अच्छी है, एंड देयर इज नो डाउट इन दैट कि HD चैनल्स को अपस्केल करना बहुत ही ज्यादा इजी है, और वही आपको देखने को मिलेगा इस टीवी के अंदर, एंड यू नो इट इज फेयर, इट इज गुड, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में, अगेन आई एम सेइंग दिस, कि जिस प्राइस रेंज में ये टीवी आता है आप ऐसी ही एक्सपेक्टेशंस रख के बैठते हैं। और अगर आप USB-C कंटेंट प्ले करेंगे तो आपको उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि 720p आप कंटेंट देखेंगे तो भी आप कहेंगे ओके, 1080p जब आप कंटेंट देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ यार अच्छा है, और 4K तो प्ले कर ही लेगा यार, टीवी है 4K है बिल्कुल प्ले करेगा, इसलिए आपको ऐसी एक्सपेक्टेशंस इस टीवी से नहीं रखनी है। कमिंग टू गेमिंग, इस टीवी के अंदर कोई गेमिंग फीचर नहीं है, HDMI 2.1 EERC पोर्ट नहीं है, आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड नहीं मिलता बिकॉज ऑफ दैट, एंड इसलिए ये कैजुअल गेमर्स के लिए ओके टीवी है, आपको इसी रेंज के अंदर या थोड़े से 2000-3000 रुपए ज्यादा डालेंगे तो आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड भी मिलेगा और HDMI 2.1 EERC पोर्ट भी मिलेगा, चॉइस आपकी है। मैं अगर गेमिंग के लिए लूंगा, कैजुअल गेमिंग के लिए, तो ये टीवी तो बिल्कुल नहीं लूंगा बिकॉज ऑफ क्यूलेट बैजिंग, आप लोगों को यही चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑडियो, इस टीवी के अंदर आपको 20 वॉट के बॉटम फायरिंग स्पीकर्स देखने को मिलते हैं जो कि डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं, और आप नेटफ्लिक्स चलाएंगे तो आपको डॉल्बी एटमॉस का और डॉल्बी विजन का दोनों के लोगों को देखने को मिलेंगे, विच इज गुड, बट क्या वो अच्छे हैं? एक्चुअली में एवरेज है और वो मेरे हिसाब से अच्छे हैं, क्यों? क्योंकि आपको इतने बड़े टीवी के अंदर 20 वॉट की ऑडियो से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए इस रेंज के टीवी में, एंड दे साउंड गुड, दे साउंड ओके, आपको डायलॉग्स सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड ओवरऑल एक नॉर्मल एवरेज एक्सपीरियंस आपको इससे मिलेगा। लेकिन अगर आपको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहिए जैसे मुझे चाहिए था, तो मैंने एक साउंड बार लगाई, आप भी सुन लीजिए। Let's talk about pros and cons, लेकिन उससे पहले price. Motorola Envision X QLED TV आपको दो sizes में देखने को मिलता है, 55 और 65. 55 आप रखा हुआ देख रहे हैं, 65 इससे थोड़ा बड़ा होगा, prices ये रहे आपके सामने। लेकिन आपको अगर QLED नहीं चाहिए तो आपको दो sizes देखने को मिलेंगे, 43 and 55 right now. हो सकता है Flipkart बाद में एक दो sizes और डाल दे, लेकिन आज की रेट में ये रहे उसके prices, और आपको इनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं और VM1 TV 2023 लिस्ट में भी दिए हैं, आप दोनों में से किसी भी जगह से चेक कर सकते हैं और उन्हें खरीद सकते हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं तो। लेकिन मेरे प्रोज एंड कॉन्स सुनने के बाद डिसाइड करिएगा। सबसे पहले आपको इस टीवी के प्रोज ही बताता हूँ। इस टीवी के अंदर जो पैनल है वो IPS पैनल है, विच इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि उसके अंदर व्यूइंग एंगल्स आपको बहुत शानदार देखने को मिलते हैं और आपको कलर्स और ब्राइटनेस का लॉस एक्सट्रीम साइड्स पे जाने पे भी लगभग 10% का मिलेगा, विच इज वेरी वेरी गुड। ये हर IPS पैनल की अच्छी प्रॉपर्टी होती है जो आपको इसके अंदर भी देखने को मिलेगी। प्रोज शायद यहीं पे खत्म होते हैं, आपको ज्यादा ब्लैक्स मिलते हैं IPS पैनल के अंदर, ऐसे ज्यादा ब्लैक्स होते नहीं है और होने चाहिए भी नहीं, लेकिन आपको इस पैनल में मिलते हैं।
आपको एवरेज से अच्छी ऑडियो क्वालिटी भी देखने को मिलेगी, विच इज ऑल्सो गुड। और ये जो प्राइस रेंज में टीवी आता है, दैट इज फैंटास्टिक। मैंने इस टीवी को खरीदा था, 55 इंच क्यूलेट को खरीदा था, अप्रोक्सीमेटली 31,000 रुपीज के अंदर कार्ड ऑफर्स लगाने के बाद। आज की रेट में ये 35-36,000 रुपीज का है, उस पर कार्ड ऑफर आपको जरूर मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्स। ये टीवी क्यूलेट होने की वजह से, यानी इस टीवी के पैनल के आगे क्वांटम डॉट फिल्टर लगने की वजह से, या फिर कलर ऑप्टिमाइजेशन जिस तरह से फ्लिपकार्ट ने या फिर मोटोरोला कहें उन्होंने करी है, उसकी वजह से इसके जो कलर्स हैं वो बहुत ज्यादा ओवर सैचुरेट हो रहे हैं। दे आर हाईली ओवर सैचुरेटेड कलर्स, और कॉन्ट्रास्ट इतना ज्यादा है कि कलर्स देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इतने ज़्यादा कलर्स देखने में। एंड लेट मी टेल यू कि हमने बहुत ज़्यादा कम ब्राइटनेस, कलर्स को भी थोड़ा कम करके शूट किया है, ताकि आपको थोड़ी सी बेटर पिक्चर क्वालिटी अपने वीडियो में दिखा सके। बट दैट इज़ नॉट द केस इन रियलिटी। जब आप इसे देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पंची कलर्स मिलेंगे। एट द फर्स्ट टाइम आपको ये कलर्स बहुत अच्छे लगेंगे, यू नो यू विल फील दैट ये बहुत विविड हैं, ये पॉप आउट कर रहे हैं, और आपको मज़ा आएगा पिक्चर क्वालिटी देखने में। बट ट्रस्ट मी, जितने नेचुरल कलर्स देख के आपको खुशी मिलती है और आप उसे लंबे टाइम तक एंजॉय करते रहते हैं, वो आप ओवर सैचुरेटेड कलर्स में नहीं कर सकते, एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट। सेकेंड चीज, ये ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट की वजह से और थोड़े से ओवर सैचुरेटेड कलर्स की वजह से आपको जो बैंडिंग दिखती है HDR परफॉर्मेंस में, दैट इज वेरी विजिबल। ओवरऑल इन अ नटशेल, इस टीवी की HDR परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पुअर है। आपको हाई ब्राइटनेस सीन्स के अंदर, जैसे आपको एक ही सीन के अंदर धूप भी दिख रही है, थोड़ी छांव भी दिख रही है, वहाँ पे बैंडिंग बहुत इजीली विजिबल होगी, और आपको कलर पैचेस भी दिखेंगे बहुत हाई ब्राइटनेस के अंदर। जो डार्कनेस है, जो शेडोज हैं, उसमें डिटेल्स की बहुत ज़्यादा कमी है, एंड दैट इज़ व्हाट आई सी इन अ टीवी। और मुझे इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल एवरेज लगी। अब बात करते हैं किसे ये टीवी खरीदना चाहिए। इतनी सारी बुराइयां होने के बाद भी क्या मैं ये रेकमेंड करूंगा? हाँ, उन लोगों के लिए जिन्हें पिक्चर क्वालिटी बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं चाहिए, और उन लोगों को जिनका बजट 30,000 से बिल्कुल भी ऊपर किसी भी कीमत में जा ही नहीं सकता, और 55 इंच साइज आपको टीवी चाहिए ही चाहिए। उन लोगों के लिए आज की डेट तक, जब मैंने ये वीडियो रिलीज किया तब तक मुझे ये टीवी अच्छा लग रहा है। इसके बाद अगर कोई टीवी रिलीज हुआ जो इस प्राइस रेंज में है, तो मैं उसे कंपेयर करके आपको तब बताऊंगा। बट राइट नाउ आई वुड से कि 5,000 रुपये अपना बजट बढ़ा लो, कोई और अच्छा टीवी ले लो। देर आर मेनी गुड टीवीज, और बहुत सारे टीवीज आने भी वाले हैं। आई वुड से स्किप दिस टीवी। ऐसा नहीं है कि मुझे फ्लिपकार्ट के एफिलिएट लिंक से कमीशन नहीं मिलती, बिल्कुल मिलती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे एफिलिएट लिंक को यूज करके अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदें, तो एक अच्छा प्रोडक्ट खरीदें जिसे आप और आपका परिवार एक साथ बैठ के एंजॉय करें, और तब आप जब मुझे थैंक यू बोलते हैं तो यहाँ सेटिस्फैक्शन मिलती है। इसीलिए TrueView देखने का एक अलग ही मजा है। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आंसर करने की। कहाँ पे है कमेंट सेक्शन? ये रहा लाइक बटन, उसके नीचे है, वहां पे जरूर अपना सवाल लिखिएगा। और हाँ, मैं आपको दो वीडियोज के सजेशन देके जा रहा हूँ, ये रहे, इन्हें जरूर देखिएगा। और मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी वेरी मच।